नमस्कार, मैं चंदन स्वप्निल, कृषि हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है सभी किसान भाई बहनों का। करतार ग्रुप अपने आप में एक ऐसा नाम है जिसकी पहचान 1975 से है, जिसने कंबाइन की हमारे देश में सबसे पहले शुरुआत की। इसे कंबाइन का जनक कहा जाता है। आज हमारे देश में इस करतार कंबाइन के 70 से अधिक डीलर और इनके सर्विस सेंटर हैं। इसकी खासियत क्या है? ये जो करतार 4000 कंबाइन इन्होंने लॉन्च की है, ये पिछले 2021 में इन्होंने लॉन्च की थी। इस बार इन्होंने इसमें कुछ फीचर्स नए ऐड ऑन किए हैं। 4 से 5 ऐसे नए फीचर्स हैं जो इस कंबाइन में आपको मिलेंगे। वो कौन से फीचर हैं, आइए इस बारे में हम जानते हैं कंपनी के जनरल मैनेजर मार्केटिंग निर्मल सिंह धालीवाल जी से। ये फीडर जो देख रहे हैं प्लेट बॉडी का बना हुआ है और इसके साइड की जो प्लेट है वो 5 mm की प्लेट लगती है। जैसे आजकल रिप्रो में प्लेट से बनती है बॉडी, उसी तरह से जो फीडर है प्लेट बॉडी से बना हुआ। उसके बाद ये आप फीडर का जो गेयर है, इसके 20 दांत हैं और अन्य कंबाइनों में जो 10 दांत होते हैं, जिससे क्या है कम चैन की जो है वो लाइन आउट हो जाती है और चैन की लाइफ कम होती है। इसके 20 दांते के चलते हुए आपके चैन की जो है लाइफ बढ़ेगी और अच्छा आपका वर्क करेगी। और जो फट्टियाँ 3 देख रहे हैं आप, 3 फट्टी से क्या है जो माल फीड होता है वो अच्छे से होता है। ये ऑयल मस्ट डिस्क ब्रेक है, तेल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक, और इसमें आपको कभी भी मिट्टी जाने का या आपका कचरा जाने का कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और इसमें ना हीट होएंगे ना कभी फसल में आग लगने की प्रॉब्लम आएगी। ये ऑयल मस्ट ब्रेक नया फीचर हमने जो एलेक्स मॉडल है करतार 4000 एलेक्स, इसमें इसी सीजन ऐड ऑन किया है, जो किसानों की तरफ से बहुत देर से मांग की जा रही थी। इसका स्टेयरिंग जो है जी, बाकी अन्य कंबाइनों से डिफरेंस है उसका कि एडजस्टेबल स्टेयरिंग है, जैसे आजकल कारों में आता है। ड्राइवर अपनी सुविधा से उसको आगे पीछे कर सकता है, जैसे किसी ज़रूरत है, थोड़ा कम हाइट का आदमी है तो थोड़ा उसके अपने पास कर सकता है, और ज़्यादा आर्म किसी की, यानी कि आप तो एक प्रीमियम कार वाला फीचर आपने इस कंबाइन में ऐड ऑन कर दिया है, ताकि जैसे वो सुविधा ताकि तो काम करते हुए भी वो सुविधा मिले और वो उसको आसानी से कर सके। ये सर इसमें बेल्टिंग स्टीयरिंग बेल्टिंग सिलेंडर है। इससे क्या है, जैसे कंबाइन हार्वेस्टर अदर कंबाइन या किसी दूसरी कंबाइन या हमारी पहले वाली कंबाइन को आप देखेंगे जी, वो रोड पे जाती हुई कभी भी आपको स्थिर चलती हुई नहीं दिखेगी, थोड़ा सा बबलिंग करती है। हाँ, बबलिंग करती हुई आपको रोड पे दिखेगी। और इस सिलेंडर को लगाने की मेन वजह यही है कि एक तो मशीन जो है रोड पे बिल्कुल स्मूथ चलेगी, और इसकी जो कटाई की डिग्रीज है वो इससे काफी बढ़ जाएगी। किसान भाइयों के लिए हमने ये नया एक और फीचर ऐड ऑन किया है, जिसे जो है किसान भाई पिछले टायर में कभी अदर पंचर हो जाता है, तो ये जो मैकेनिकल जैक ऐड ऑन कर दिए हमने, तो ये मैकेनिकल जैक लगा के आपके जो है टायर पिछले दोनों फ्री हो जाते हैं। हल्का से एक बार आपने जैक लगाना है और आप देख सकेंगे अभी पिछले जो टायर हैं वो अभी बिल्कुल ज़मीन से फ्री हो चुके हैं। और आप इसको कहीं अगर आपने मशीन खड़ी करनी है अपनी हार्वेस्टिंग के बाद, उस समय भी आप ये टायरों को फ्री कर सकते हैं। और उसके बेनिफिट आपका जो लोड है मशीन का, वजन है, वो आप 2-3 महीने जब मशीन खड़ी रहती है वो टायरों के ऊपर नहीं रहेगा, टायर की जो है लाइफ और बढ़ जाएगी। और आप इसके जो स्पैंडल हैं, वो स्पैंडल अन्य मशीनों से हमने बहुत हैवी स्पैंडल जो है अभी लगाया है। ये स्पैंडल आप देखिए, इसकी जो ग्रिपिंग है वो दो ऊपर और नीचे टॉप और बॉटम से हिस्से को पकड़ के रखती है, और पिन के अंदर मेटल का बुश है जो इसकी लाइफ बढ़ाता है। और ऊपर जो पहले मोरनी वगैरह इसको बोलते हैं आर्म, स्टेयरिंग आर्म है, स्टेयरिंग आर्म जो टूटने का खदशा रहता था किसानों को, वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और जो ट्रैक्टर की तरह स्पैंडल आपके हैवी ड्यूटी स्पैंडल बन गया है, और किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। ये कभी भी फॉल्ट आने का चांस ही नहीं रहा अब इसमें, और बेल्सिंग सिलेंडर के साथ आपकी जो टर्निंग है वो बहुत अच्छी हो गई है। अशोक लेलैंड का ओरिजिनल इंजन हम लगाते हैं 6 सिलेंडर,
और 101 101 HP का इनो टाइप इंजन है, भारत स्टेज 3 का इंजन है और उसकी माइलेज काफी अच्छी है और उसकी लाइफ काफी अच्छी है और उसके सर्विस सेंटर भी काफी अच्छे हैं। सर 6 पाइप रील जो है ये हमने ना डिजाइन करी है 2 साल पहले जी। पहले सभी कंबाइनों में आज भी 5 पाइप वाली रील आ रही है जी। 5 पाइप रील में क्या होता है, जैसे क्रॉप जो है फसल जो है आड़ी हो जाती है, मतलब गिर जाती है जी, उसको उठाने में जो है वो 6 पाइप की बहुत ज्यादा मदद करती है। जैसे धान की फसल है वो उस समय बारिश होती है या हवा चलती है, खेत में आड़ी हो जाती है, गिर जाती है जी, उसको उठाने में जितने पाइप जो है हल्का सा नजदीक आ गया उतने के अंदर जो है 6 पाइप लगे हैं जी। वो फसल को जल्दी उठाते हैं, ब्लेड उनको जल्दी काटता है और मशीन का जो है एवरेज जो है कटिंग की वो बढ़ जाती है ठीक। और ये जो टाइन है ये अदर कंबाइनों में, अन्य कंबाइनों में आपको 9 इंच लंबी टाइन मिलती है, हमारी 11 इंच लंबी टाइन है। तो ये 11 इंच और 9 इंच में फर्क क्या है? बस वही फसल को उठाने में ये आसानी रहती है, इसलिए आपने इसका साइज बढ़ा दिया। और इसके अंदर जो फ्रंट ऑगर दिख रहा है आपको वो ब्लैक सी अंदर के एक किल्ली निकल के आ रही है, उसको फ्रॉन्ग बोलते हैं जी। और अन्य कंबाइनों में ये 16 फ्रॉन्ग होती हैं जी, और अपनी कंबाइन में आप देखेंगे तो इसमें हमने 20 फ्रॉन्ग ऐड करी हैं, एक लाइन प्लस कर दी है जी। वो जो फसल कटती है, फसल को कटने के बाद अंदर फीड करने के लिए जी, ये फ्रॉन्ग किली की मदद होती है। एक लाइन ज्यादा होने से ये मशीन में माल फीड करने से बहुत आसानी हो गई और मशीन का जो है एवरेज और बढ़ गई। डिस्चार्ज ऑगर ट्यूब जो है दाने निकालने के लिए, तो वो हमने जो है उसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया गया है। जैसे ट्रालियों का साइज जो है आजकल बड़ा होता जा रहा है और ट्रालियों का जो बिड है तो वो ऊंचे होते जा रहे हैं, खासकर पंजाब हरियाणा में जहां पर ये ट्रालियों में लड़ने की ट्रालियों से ये लग जाता था डिस्चार्ज ट्यूब, अब उस चीज़ की जो प्रॉब्लम खत्म हो गई है। और ये आप अगर बड़े कंटेनर वगैरह में भी कभी कोई लोड आसानी से लोड कर सकते हैं तो बिल्कुल आसानी से आप उसको लोड कर सकते हैं। सर इसके अंदर जो बैटरी है वो 110 की हम डबल बैटरी लगती है, 24 वोल्ट से ये मशीन का इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम चलता है जी। और जो बैटरी को हमने कवर किया गया है वो देखिए आप, पूरा बिल्कुल बैटरी को कवर कर दिया गया है ताकि उसके अंदर पानी ना जाए, डस्ट न जाए और बैटरी की जो है लाइफ ज़्यादा बनी रहे। और सबसे अच्छा काम जो है वो हमने ये वाटरप्रूफ ऑटो कट स्विच लगा दिया है। पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है आपका मशीन की जो वायरिंग है वो कभी ख़राब ना हो और शाम को आप इसको कट सिस्टम में जो है पूरा इसका कट कर सकते हैं आप। ये जो ऑयल ब्रेक सिस्टम है सर, उसके साथ आप देख रहे हैं किसान भाइयों के लिए एक अच्छी सुविधा है कि इसमें डबल पैडल हो गया है और डबल पैडल के चलते जो है आपके कई बार आप गीले खेतों के अंदर या रोड पे या कच्चे रास्तों पे जाते हुए कंबाइन हार्वेस्टर एक साइड खेत में उतर जाती है और ये डबल पैडल की सुविधा से आप जो है इसको एक पैडल एक साइड का ब्रेक जो आप लगा करके कंबाइन को आसानी से आप रोड के ऊपर या अपने रास्ते के ऊपर फिर ले आ सकते हैं। और जल्दी टर्निंग के लिए जैसे ट्रैक्टर के अंदर होता है तो ये ब्रेक के डबल सिस्टम होने से और भी किसानों को अच्छी सुविधा मिलेगी। तो जैसा कि आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं करतार 4000 का रिव्यू, इन्होंने ये इसमें एक सीढ़ी दी है जो फोल्ड हो सकती है, ऐसे उठा के यहाँ से इसको आप ऊपर कर सकते हैं, ये ऐसे ऊपर जा सकती है। डीजल टैंक सर इसका 400 लीटर का डीजल टैंक है और डीजल के बैक साइड में आप देख सकते हैं जो पैमाने की तरह एक ट्रांसपेरेंट पाइप लगा हुआ है जिससे आसानी से किसान को दिख जाता है कि अभी कितना डीजल बचा है और अभी कितना डीजल और कितने घंटे और वर्किंग में काम कर रहे हैं। और डीजल टैंक के नीचे बिल्कुल आप देख रहे हैं ये एयर टैंक है जी, एयर टैंक है जैसे कंप्रेसर इंजन के साथ लगा होता है जी। और कंप्रेसर जो है इस टैंक में हवा भरता रहता है तो उसको कभी भी आप टायर में हवा भरनी है या कंबाइन की सफाई करनी है या रेडिएटर साफ करना है उस चीज़ के लिए फार्मर जो है वो यूज़ करते हैं।
आप बताइए स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम इसमें कैसे क्या काम करता है? ये सर जो आप देख रहे हैं जो स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम है पीछे से पूरा फोल्डिंग सिस्टम है जी। और ये जो जैसे धान में ज़्यादातर या मूंग में या आपके हरहर में इसको चलाया जाता है, आजकल सरसों में भी लोग इसको यूज कर रहे हैं। और इसका काम होता है जो कंबाइन हार्वेस्टर बड़ा बड़ा माल जो है पीछे स्ट्रॉ बच जाता था जी, उसको बिल्कुल बरी करके जमीन में खिलार देता है। इसमें एक और टूल बॉक्स जो पहले नॉर्मल डॉट लॉक आता था, अब ये नए रूप में आप देख रहे हैं इसको, ये लॉक जुबित टूल बॉक्स है। इसके अंदर प्रॉपरली आपको वही चीज जो स्टार्टिंग की है उसी से इसको ओपन और बोल सकते हैं आप। तो ये नया एड ऑन एक और फीचर आपको दिखाएंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इसमें स्टेनलेस स्टील जो आपने इस्तेमाल किया ताकि जंग से बचा जाए, वो कहाँ पर और कैसे किया? सर इसमें जहाँ पर घिसने वाले पार्ट हैं मशीन के अंदर, जहाँ जहाँ से मशीन जल्दी घिस जाती थी और दो चार साल बाद ही जो किसान बड़ी बड़ी अमाउंट एक लगा के जाता था और उसके तीन चार साल बाद ही उसको दोबारा रिपेयर कराना पड़ता था मशीन का जी, उन चीज़ों को देखते हुए हमने सबसे पहले 2010 पैडी के अंदर धान के सीजन के अंदर हमने शुरू किया और कटर की ट्रे जो है उसके अंदर स्टील ऐड ऑन किया और फीडर की जो नीचे वाली सीट है उसके अंदर स्टील यहाँ पर लगाया और उसके बाद ये एलिवेटर जहाँ पर आप हाथ लगा रहे हैं जी, इसके अंदर से जो है क्रॉप जो है वो कटने के बाद दाना पूरा साफ होने के बाद टैंक तक जाता है और रिफ्रेशिंग के लिए थ्रेशर में जाता है। इस ये पार्ट भी घिस जाते थे जल्दी जी। और इसके अंदर रेल बोलते हैं उसको, रेल स्टील की हमने कर दिया और नीचे के पार्ट स्टील के कर दिए। और सबसे बड़ी बात जो है इसके हेड जो है स्टील के नीचे के और ऊपर के जी, ये भी हम स्टील के लगा रहे हैं। अन्य कंबाइनों में ये सब आयरन के लोहे के लगाते हैं और ये सारा स्टील का जो एलिवेटर है जैसे हेड हो गया, रेल हो गई और नीचे का पीस हो गया, ये पूरा किसान के लिए बेनिफिट है कि उसको कम से कम 10-15 साल तक ये स्टील अगर उनकी वर्किंग के हिसाब से है, अगर लोकल आदमी काम करता है तो 10 से 15 साल तक भी ये पार्ट जो है घिसते नहीं है।